तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आ रहा है कौन, हो सकता है वो, गैस करें गैस करें। अब सोचे तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बेहद खुश हूँ, क्यों? क्योंकि आज मैं अपने न्यू मोबाइल से फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं किसी के तल्ले करने नहीं पड़ रहे, आज मैं अपना मोबाइल है। पहले ये होता था कि मैं कहती थी अच्छा अपना मोबाइल दे दो, चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग हो जाए फिर उसके बाद अपना शूट शूट करती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का आज मैं सुकून से अपना ना शूट कर रही हूँ खुद ही। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो यही है कि मतलब हम सारी फैमिली बैठ के आज ना हम ना एंजॉय करेंगे, ठीक है बोल। बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मेरी पप्पो आप ना न्यू मोबाइल से हमारी वीडियो बनाएं। तो बच्चे सारे रेडी होकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, अनमोल और ज़ियान हमारे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि वहां से आने वाली हर न्यू वीडियो अपने पहुंचे को मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज तो बहुत ही प्यारा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और मौसम अब चेंज हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब काफ़ी चेंज हो चुका है मौसम। तो आज ना इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है, कुछ ऐसी बातें हैं आप ना मतलब लोगों ने इतनी बातें की हैं उस बातों का भी आपको जवाब मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना तुम लोगों ने। तो बस अपना सारी फैमिली बैठी हुई है। तो आज इस वीडियो में ना अपने न्यू मोबाइल की ना मैं अपनी पहला शूट कर रही हूँ, तो बहुत इंजॉय करेंगे सब हम। तो चाय पियेंगे क्योंकि बारिश के मौसम में चाय पीने का और पकोड़े खाने का और चिप्स खाने का बहुत मजा आता है। तो अब अनमोल डिसाइड करेगी आज हम क्या खाएंगे। तो अनमोल मेरे पास आज की है, तो ये चेक करें, आज मौसम बहुत ही प्यारा है और बारिश हो रही है। ये देखें मौसम काफी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा प्यारा सा ज़ियान भी बारिश इंजॉय कर रहा है ना। और ये बहुत ही जबरदस्त मौसम है जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया, बारिश तेज हो गई है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बारिश में। मोला भी कहाँ है, मोला भी कहाँ है आपकी, अंदर है, चला ही चाय बनाते हैं, है ज़ियान चाय पिए। तो इस बारिश में चाय पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाय पकोड़े हों या चिप्स हों। ये देखिए अनमोल को, अनमोल तो आज बहुत प्यारी लग रही है। मेरी पप्पो ने अनमोल के इतने प्यारे बाल बनाए हैं, और बाहर बारिश हो रही है, बच्चों को मैं अंदर ले आई थी, मैंने कहा आप लोगों ने बाहर बारिश में अब गीले नहीं होना, ठीक है ना, अभी ठहर के बाहर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अम्मी बैठी हुई हैं, तस्वीर पा रही हैं। हाल चाल है अम्मी आपका, ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो यहाँ पे देखें जरा, इधर फूल पड़े हुए हैं, वो दिखाओ तो प्लेट में कैसे फूल हैं। आइए देखें, हम लेके आए तोड़ के लेके आई अम्मी, पुराने घर गई थी तो यहाँ से हम ना तोड़ के लेके आए हैं। देखें फूल, क्योंकि अम्मी को मोतिया बहुत पसंद है और मोल ने रेड कलर के तोड़े हैं यहाँ पे, ये देखें मुझे हाँ। तो मुझे लग गया अभी, पहले मैं ना बचपन में बहुत फूल तोड़ती थी अम्मी, अब मुझे शौक नहीं रहा, मैं अपने चाहती हूँ कि फूल लगे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे रख दो, सारा दिन खुशबू आती है कमरे। तो चले अम्मी आज ना आपको तो शाम का टाइम है जाहिर है, और मौसम इतना अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं बच्चे सारे यहाँ खुश हो रहे हैं। अनमोल से पूछूंगी, अनमोल और बाकी सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ज़ियान छोटा बाबा कहाँ है, बाहर है? तो मरियम ये नया मोबाइल शुरू कर दिया आज से? शुरू कर दिया जी अम्मी, आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ। तो अनमोल मुझे जिद कर रही थी और ज़ियान अभी भी ना बहुत ज़्यादा मतलब जो वीडियो मतलब शूट करते हैं ना आप, तो बहुत खुश होता है देखता है। तो अनमोल मुझे कह रहे थे अम्मी को आप वीडियो बनाओ आप शूट करो, कह रही थी नए मोबाइल से तो बन रही है। अनमोल इतनी प्यारी आ रही है, अच्छे आ रहे हैं। अब मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ, पता नहीं मुझे, अब जब लोग देखेंगे रिजल्ट बताएंगे मुझे किस तरह आया, तो फिर हम नोट करते हैं क्या होता है। तो हाँ जी अम्मी, जो लास्ट वीडियो थी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो ना कुछ ऐसी बातें हैं लोग कर रहे हैं तो उसका ना हमने जवाब देना है। तो अब ना इस वीडियो में हम कर देंगे, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, सबको कह रही हूँ वीडियो लास्ट तक देखें। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं उनका आपको जवाब मिलेगा। तो बस आप तस्वीर पढ़ें अम्मी, फिर मैं जाती हूँ, मैं पूछती हूँ सबसे, सबने क्या खाना है, ठीक है? और आपने क्या खाना है चाय के साथ? अम्मी तो बिस्किट बहुत ज़्यादा शौक से खाती है ना? और मैं तो नोट कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बिस्किट की भी ना रेसिपी बनाऊँ, कोई बिस्किट ऐसे घर में बनाए कि हम चाय के साथ खाया करें। हम डेली चाय के साथ बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं हम दोनों, अम्मी और मैं। हाँ ट्राई करेंगे कभी। क्या क्या अच्छा लगता है, आपने क्या खाना है आज? समोसा ऑर्डर कर दें, मम्मा से पूछते हैं। और आशा भी बाहर बैठी हुई है। तो देखिए हमारा छोटा बाबा भी आ गया है। हेलो,
चिड़े बाबू को पता चल गया वह वीडियो बनती है, इतना खुश होता है ये भागता है भागता है ये भागता है। चले मम्मी भाभी भी आ गई है यहाँ जी आज। तो आज ना मैं ये सोच रही टॉपिक ऐसा कोई नहीं है, बस फैमिली बैठ के एंजॉय करेगी चाय पिएगी बस, क्योंकि न्यू मोबाइल से पहली वीडियो है मेरी, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। जो लोग लोग जो कहते थे ना कि रिजल्ट से नहीं आता, तो आज बताएंगे कैसा है। अच्छा, तो फिर आज हम चाय के साथ कुछ खाते हैं। कुछ क्या खाएं अनमोल, अनमोल बताओ क्या खाएंगे। अच्छा आशा से मैंने पूछा, बाहर बैठी हुई कहती मैं बताती हूँ आके क्या खाना है, मैं क्या बताएं आप। चलो जो मर्जी खाने, आप क्या खाएंगे शौक से। ज्यादा चीप स्लैंटी खाता है शौक से, है ना। और जो जो ध्यान खाते हैं मैं वही खाती हूँ है। हाँ। चलो ठीक है, ज्यादा में भी करते हैं कुछ। और जो आयशा है वहाँ बैठी हुई बताएंगे अब क्या खाना है। आयशा इतनी चाय शौक से नहीं पीती है ना, हम पीते हैं अम्मी मोमना अभी और हम ना चाय पीते हैं शौक से बस। अनमोल तो पीती नहीं चाय है ना, अनमोल सिर्फ चिप्स खाएगी। अनमोल आप वो खाते होते थे वो फ्राइज। आज मैं अपने सोच रही हूँ आज हमें फ्राइज नहीं खाने, आप डिफरेंट चीज खाते हैं एक। क्या? तो उसके लिए हम जाके लेके आते हैं बाहर से, ठीक है। ये, मैं भी बाहर जाऊंगी। लेकिन हम घर में खुद बनाएंगे, सही है, कभी हमने वैसे ट्राई नहीं किए, सही है अनमोल। हाँ। चल चलते हैं फिर। और चिट्टा बाबा पीछे यहाँ देखो क्या कर रहा है, माशाल्लाह से ये पूरी अनमोल की कॉपी आया है ना। अनमोल बचपन में ऐसे करती थी, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं मेरे न्यू मोबाइल से, और आज खुश हैं कि वीडियो बन रही है। और ये देखो मम्मा ने ना, चलो मैं पप्पू चलते हैं आज। अनमोल आपको पता है क्या, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। क्या? देखो यहाँ मैं ओपन करती हूँ, ये देखो टना टन टन, ये देखे मैंने रखा हुआ है ये सब कुछ यहाँ पे बच्चों का। ये सब चिप्स मेरे फेवरेट है। तो देखे ये स्लैंटी है चिप्स है, ये हम फ्राई करते हैं, और बिस्किट्स भी है। हाँ ठीक है, वही बना लेंगे हम घर में बनाएंगे, अब फ्राई करते हैं। ठीक है, चले जी यहाँ से मैं निकालती हूँ अब, ये है और ये इस फर्स्ट टाइम मैं इसे फ्राई करूँगी, मुझे नहीं पता कैसे है। मैं लेके आई थी बच्चों के लिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे हम फ्राई करते हैं, कढ़ाई रखते हैं चूल्हे के ऊपर, ठीक है। तो चलो जी मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ अब, चलें बच्चों की खुशी के लिए, अब गर्मी में मुझे बनाने पड़ेंगे, अनमोल खुश हो जाएगी ज्यान भी। तो पैन अभी गर्म हो रहा है, फिर उसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ, ठीक है ना। पहले हम ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑयल डाल दिया ना फिर उसने ना छींटे ऐसे आवाजें आनी है, उसमें पानी है, ठीक है ना। तो अनमोल अब क्या करेगी, इसे प्लेट्स में निकालेंगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अनमोल ने ये काम कर दिया मेरा, और यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है, ऑयल डालते हैं, ठीक है, हैप्पी। आज अनमोल बड़ी खुश है। हाँ अभी कच्ची है, अभी इसे फ्राई करेंगे, ये बन जाएंगे बहुत जल्द बनते हैं अनमोल ये, जिस तरह हम बनाते हैं ना दूसरे, आप पहले खाते थे वो इसी तरह आप, लेकिन मैंने कभी लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बन लगी मैं। हाँ आप देखते हैं क्या बनता है, चलो मैं बनाती हूँ। तो आज कुकिंग कर रही है अनमोल मेरे साथ। अनमोल मेरे साथ ना पहले भी होती थी, अनमोल ना मेरे साथ पहले भी होते थे ना, जब मेरा दूसरा मोबाइल होता था तो मैं अपने मोबाइल से खुद ही वीडियो बनाती थी, तो फिर मोबाइल में मेरा ऐसा मसला पड़ गया जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सकती थी, तो आशा मैं शूट करती थी। तो अब ये ऐसा सिस्टम हो चुका है कि अपनी मैं अपना शूट खुद ही क्या करूंगी, और अनमोल भी मेरे साथ होगी, और इजीली हम अपनी वीडियो बना लिया करेंगे, ठीक है अनमोल। हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पैन गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल, तो इसमें हम कुछ ज्यादा ही ऑयल डालेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी है ना डीप होगा। तो अनमोल मुझे बताएं पहले हम क्या फ्राई करें, व्हाइट के ब्राउन, व्हाइट करें ना, क्योंकि फिर वो ये ब्लैक हो जाएगा ऑयल, फिर उसके बाद हमने ये व्हाइट होंगे ब्लैक ना हो जाए, है ना। हाँ, अक्सर ऐसे होता है। चले जी ऑयल गर्म हो चुका है, मैं डिप करती हूँ, चले अनमोल बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। भाई साहब मैं फर्स्ट टाइम आपके नए मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, अनमोल मेरा शूट कर रही है थोड़ा बहुत, सही है अनमोल। चले अब अनमोल का जैसे मेरे साथ पहले थी, अब मेरे साथ ऐसे रहेगी, अब बड़ी होगी समझदार होगी, अब अच्छे काम करेगी मेरे साथ, अच्छा सा शूट करेगी। तो यहाँ पे देखें हो चुके हैं मुझे लगता है ना। हाँ। निकालते हैं इसको अनमोल, तो ये देखें ये हो चुके हैं, इसे निकालते हैं हम, तो शुरू से अच्छी आ रही है ना अनमोल, आ रही अच्छी। हाँ। तो पिछली प्लेट पड़ी है, लेके आओ प्लेट्स लेके आओ, चलो यहाँ पर देखें वाइट में वाइट ही आ गया है ना। चले तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं, देखें
यकीन नहीं हो रहा मैंने बनाए हैं हमने बनाए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसे साइड पे रखते हैं हम, इधर साइड पे रख दो अनमोल, उधर रख दो। अब हम ये वाले फ्राई करते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखो आराम आराम से होते हैं ना ये, एकदम नहीं होते, मुझे नोट किया। हुए 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 ये तो बहुत प्यारा काम हो गया है, वाओ वाओ ये बहुत प्यारे बन गए अनमोल, कितने बड़े बड़े। चलो अनमोल आप हल्का सा मिक्सर तोड़ना नहीं आपने, हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे अनमोल भी मेरे साथ आज बना रही है चिप्स, स्लैंटी चिप्स हैं ये, ज़ियान बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बन गए ये तो, बहुत प्यारे है ना। अच्छा। माशाल्लाह मेरी अनमोल की सब कुछ है, मेरी अनमोल खाएगी, मैंने अनमोल की फरमाइश पे चीजें बनाई हैं। मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा अनमोल खुश हो जाए बस मेरी, वो कितने प्यारे बन गए बहुत। बहुत ही प्यारे बन गए हैं। तो चले जी ये भी रेडी हो चुके हैं अनमोल की फरमाइश पे। हाँ जी अम्मी, आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लास्ट वीडियो में आपने कहा था ना कि मरियम तुम लोगों ने नहीं जाना अकेले मोबाइल लेने, तो मैं भी साथ जाऊंगी। तो लोगों ने इतनी बातें बना ली अम्मी, लोग कहते हैं कि ना पहले भी ये बाहर घूमती रहती हैं, तो आज क्यों अम्मी कह रही हैं अकेले नहीं जाना। तो मैडम क्या बोल रही थी तुम, हम अकेले भी जाती भाई बैठी रहती हैं, वो हम बैर टाउन के अंदर फिरते हैं, वो जो उनके आस पास जो जो है ना मॉल और साथ जो भी हैं स्टोर वगैरह वहाँ जाते हैं, और बैर टाउन से बाहर भी कभी अकेले भी नहीं जाते। मेरे से चला नहीं जाता तो हमने इनको भेज देती हूँ, मोमता के साथ हम जाते हैं, नहीं तो इनको ये भी इजाजत नहीं है कि यहाँ तक भी जाए। हाँ तो मोमता के साथ हम चले जाते हैं, अब स्टार्ट हुए, लेकिन इतनी दूर हम मॉल्स में इतनी दूर कभी नहीं गए, जाने भी जा भी सकते हैं। माँ बाप जो हम इसके अबू और मैं थे ना, ज्यादातर इसके अबू उन्होंने कभी नहीं बच्चों को अकेला जाया नहीं। लेकिन बहरटोन में ये है कि हमारी शॉप्स पास पास हैं और यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है ना, माहौल अच्छा ठीक है, तो इसे तहफ्फुज़ है, तो इसलिए मम्मी को लगता है बहुत बाहर जाना मतलब बहरटोन से बाहर बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कभी तो अक्सर ना अक्सर हम अली भाई और लाल के साथ बाहर जाते हैं ऐसे जगहों पे, ठीक है ना, अम्मी के साथ जाते हैं बस। तो अम्मी आपको ना हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है, जिंदगी में नहीं जाएगी कभी ना कभी अकेली जाना ही पड़ेगा। चले अब एक और बात है, जब मैंने नाम लिया था ना उमैर भाई और उसको बिलाल का, तो लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है, पहले उसको कहा फिर दूसरे नंबर पे बिलाल आया, ये आपको पता है कि मैंने क्या बात की थी। तो मैंने अम्मी ही कहा था कि उमैर भाई ने मुझे ना चैनल बनाने का आइडिया दिया था, ये कहा था मैंने, और मोबाइल से भी उन्होंने दिया था, तो इसलिए मैं उनका वो कह रही थी, मैं शुक्र अदा कर रही थी कि ना उन्होंने मुझे ये कहा था कि ऐसे करो तुम लो अपनी वीडियो अच्छी बनाओ, और बिलाल भी मुझे कहता था, ये नहीं सब कहते थे, तो ठीक है ना, चैनल बनाने का आइडिया मैंने किया, लेकिन फेमस भी इसे मैंने किया था, आपको पता है। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, पता है एक बात का कि कौन नंबर वन पे है, नंबर टू पे, थ्री पे है, मैं ऐसी बातें नहीं सोचती, जो मेरे मुंह में बात आई मैंने कह दी बस, अब लोग बात लेके बैठे हैं नंबर वन पे वो है तो नंबर टू पे वो है, मैंने कभी नहीं सोचा। पहली बात है लास्ट में मैंने आमना का नाम लिया था ना, लास्ट में मैंने आमना का नाम लिया था, मैंने ये नहीं सोचा। अच्छा मैंने ये नहीं सोचा कि आमना पहले ही है दूसरी, ऐसे मैंने नहीं सोचा। तो मैंने जो मैंने मुंह से मैंने कहती गई थी, मैंने ये नहीं सोचा कि पहले नंबर पे कौन है दूसरे नंबर पे कौन है, बस मेरे मुंह से निकला है जो भी था, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं समझा कोई बड़ा है कोई छोटा है, मैं सब बराबर है मेरे लिए बस, ठीक है ना। वो तो है सबको पता है, हमारी फैमिली सबको पता है, मैंने ने कहा था कि चैनल बनाएं सबको, अली को भी कहा था, इसको मुझे भी कहा था, पर मैंने अपनी मर्जी से बनाया था, बड़ी लेट मैंने लेट बनाया था, बड़ी मैंने तो उसके चैनल बनाया, मैंने इनके चैनल बनवाए थे, इसलिए इनको मैं का शुक्रिया करना पड़ता है ना, वरना अगर वो ना कहता तो इनको इतना कहाँ कहीं बना सकते। हाँ बस इतनी सी बात है, सही है इतनी सी बात है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि उमैर पहले या बिलाल बाद में, ये बात कभी मैंने सोची नहीं है, बस नंबर वन नंबर टू कुछ नहीं था। पहली बात मैंने आमना का नाम भी बाद में लिया था अम्मी, कि ये नहीं कि हाँ सब अपने हैं, हम सब बहन भाई हैं बस, तो इसलिए आप ना गलत सोचना ना छोड़ दें, आप जो अजीब अजीब बातें करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती कौन है ऐसे लोग। इतनी बकवास की
कि ये करके ये करते तो शर्म आनी चाहिए कि उसने इसका चैनल बनवाया था, बस ये बात है। और आप लोगों ने क्या आउटलाइन इसको एडिटिंग सिखाई थी, तो दोनों का मतलब बराबर हक है। तो आम मरियम पर अच्छा अब भी ना कोई हमारे मसला जो कोई उमेर या भाई आते हैं ना हेल्प करने के लिए आते हैं ना, तो जब बिलाल था उस टाइम भी कोई बिलाल हमारी हेल्प करता था, अब बिलाल बाहर है तो उमेर भाई हमारी हेल्प करते हैं, तो इसमें क्या बात है, हमने उनका नाम ले लिया है। तो मैंने अभी को समझा दिया हुआ कि ना किसी की बातों में ना आके आपने टेंशन में नहीं रहना। मैंने अब कैमरा पकड़ा हुआ, मैं शूट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बस। अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, नंबर वन पे टू पे, इसलिए ये है कि जब बिलाल यहाँ था तो उसकी हेल्प करता था, अब मैं है वो उसकी हेल्प करता है हमेशा। हाँ उमेर ने और साथ ना आमना ने हमारी हेल्प की है, बस हेल्प करते रहते हैं उसका मोबाइल। हाँ तो जाहिर है जो होते हैं हमारे कजन और भाई होते हैं सब वही हेल्प करते हैं ना, मम्मी और कौन किसने आके बाहर से करनी हेल्प, तो बस इसमें उमेर की हेल्प करता है हमेशा। जैसे मराली भाई है वैसे वो है, मोबाइल हो या कुछ भी हो ना हमारे उसने हेल्प हमेशा की है। ये गंदे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं जो अच्छा मैं बताऊँ हर किसी को हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, फिर ना आगे खुद गंदे होते हैं। तो ना मैं एक बात बताऊं कि हर किसी को किसी के साथ ना एक आपस में ना अच्छे रहना चाहिए, अगर हम अच्छे रहेंगे तो आगे से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, तो दूसरा भी उसके काम आता है, बस यही है। हमारी फैमिली में ये है कि बड़ों की इज्जत करते हैं, ये नहीं कि बच्चों की इज्जत करो। बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ों को खुद बुलाते हैं, ये नहीं कि बड़े बच्चों को बुलाएं। ये है हमारी फैमिली का रिवाज। अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, अमोल चाय पिएगी ना? जी मैं बस पत्ती नहीं पीती, बस चीनी तो डालो पत्ती ना डालो, पत्ती ना डालो फिर चाय कैसे बनेगी? मैं मुझे पत्ती नहीं ना, पत्ती कम डालती हूँ ना। अच्छा चलो नहीं, बस इतनी पत्ती डाल दी हमने, इसमें बन रहे हैं अब दो तीन। चलो जी यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है, चाय मैं कप्स में डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चीटा बाबा भी आ गया है ना, चीटा बाबा खुश हो जाएगा। अनमोल चाय बन चुकी है, ये देखें चाय मैंने दो कप्स में डाल दी है, हाफ हाफ करके दो तीन बंदों ने पीनी है चाय, ज़्यादा लोगों ने नहीं पीनी है, सिर्फ मम्मी भाभी मैंने और वो अम्मी ने और थोड़ी अनमोल भी पीनी, थोड़ी सी पीती है अनमोल, ठीक है ना। चलें अनमोल ट्रे उठा के हम लेके जाते हैं बाहर, चलो आप ये उठा लो मैं ये उठा लेती हूँ, ठीक है। और बिस्किट भी हैं, मुझे याद आया। तो चलें जी बिस्किट्स भी मैंने प्लेट में डाल दी है अनमोल, तो ये तो मेरे भी हैं, ये सिर्फ इन चीजों में से ये चीज मेरी फेवरेट है, ये मैं नहीं खाती, ये बच्चे खाते हैं शौक से, ठीक है। ये मैं शौक से खाती हूँ, मैं ले आई थी चाय के साथ खाएंगे हम। चलो चलते हैं हम अंदर चलते हैं, ठीक है। तो चलें जी शाम के टाइम हम ना बारिश के मौसम में ये सब इंजॉय करेंगे बैठ के, बहुत कम लोग चाय पीते हैं, हम करेंगे। चलो जी चले जी, ट्राई करती हूँ देखती कैसे है, क्या बेबी आग मचा रहे, बेबी खुश हो गया देख के, बच्चों के लिए तो ये बड़े अच्छे हैं, है ना मोल, बच्चे शौक से खाएंगे, लेकिन जो डाइट पर थे वो नहीं खा सकते, मोल जी ऑयली है ये मसला सारा, हल्की फुल्की डाइट पे हूँ मैं अनमोल, मैं बिस्किट्स खाऊंगी साथ चाय के साथ। तो चले जी यहाँ पे आयशा भी आ चुकी है, तो आयशा आपको कैसा लगा सब कुछ ये खा के, ये बच्चों का है सब कुछ स्पेशल, मैंने बच्चों के लिए बनाया है ये, आपने मुझे बताया नहीं क्या खाना है, आप तो रूम में नहीं थी। मैंने पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पार्टीज और मतलब आपको पता ही है मैं दूंगी फिर, तो जो आपने खाना होगा ना फिर आप खा लेना है, आज दिन कर रहा कुछ दिन वेट करें आप, ऐसी चीजें ना आपको खाने को मिलेंगी, आज आप ये ट्राई करें, छोटा वाला ट्राई करें, छोटा सा जो ये टूटा खाएं आप, गिर जाओगे। तो अम्मी कैसे लगे हैं ये मैंने ट्राई किए हैं ये बच्चों के लिए, ये तो सबसे जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। हाँ तो ज़ियान में भी आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे ना, ज़ियान में भी बहुत शौक से खा रहा है ना, है ना कहते हैं हाँ गुद्दू ज़ियान में भी, एक और बात है मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या कहता है, सब लोग हैरान हो जाएंगे सुन के। तो चले जी सब ने चाय पी ली है और आज हमने बारिश में बहुत ज्यादा इंजॉय किया, और बारिश का क्या मजा है
तो मतलब पहले बारिश होती थी तो अजीब सी गर्मी हो जाती थी, तो आज ना बारिश हो गई, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आज तो ज़रा मतलब महसूस नहीं हुआ कि आज गर्मी है, मौसम बहुत बेस्ट हो गया। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ ना सब बैठे हैं, आप देखें यहाँ पे अम्मी बैठी हुई हैं और साथ में चाची बैठी हुई है। तो अम्मी बताएं कल कितनी गर्मी थी ना, तो आज मौसम ठीक हो गया। तो मैं सोच रही थी कि ना कल मैंने कल शूट करना था, तो फिर मैंने सोचा कि ना मतलब कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नहीं हो सका शूट, अपने न्यू मोबाइल से फर्स्ट वीडियो मैंने बनानी थी कल, तो फिर मैंने सोचा आज मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए बड़ी अच्छी वीडियो बन गई। तो आज मौसम अच्छा है तो इसलिए मैं अपने बालों का स्टाइल इस तरह बनाया बाल खोल के। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे कह रहे थे, मेरे पापा आप बालों का स्टाइल अपना बना के जिस तरह आपकी कटिंग हुई है सामने आया करे, तो आज मैंने इस तरह ये स्टाइल बनाया क्योंकि आज ना मौसम कुछ चेंज हुआ है इस वजह से, तो गर्मी की वजह से ना जहर किचन में भी काम करना होता है, कुछ की छूट मेरे किचन में होती है, इस वजह से मैं बाल बांध लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैंने कहा जो मर्जी हो जाए अपने बाल इस तरह रखने हैं। तो हाँ जी अभी मजा आया आपको चाय का, चाय पी, हाँ तो बस चाय पी हमें, चाय पी के साथ सुकून मिल जाता है इंसान, फ्रेश हो जाता है चाय पी के, है ना। तो नहीं आप पता क्या हुआ मेरे साथ, मैं शूट कर रही थी तो सब चाय पी रहे थे, तो उसी दौरान मेरी चाय इतनी ठंडी हो गई, मैं ठंडी चाय पी रही आज। तो मैं सोच रही थी कमी थी ना मैं दोबारा चाय बना लूँ, फिर मैंने सोचा मैंने कहा दिन ख्याल है कुछ नहीं था, चाय नहीं मैं ना वो काफ़ी ठंडी चाय होती थी, बच्चों को दे देते थे ना चीज़ें, तो फिर मेरी चाय ठंडी होती साथ शूट भी कर रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे आशा बैठी नहीं है आज, तो आशा सुकून भी है ना आशा, मैं सुकून में नहीं हूँ आशा को मैं तंग नहीं कर रही इस वजह से, आज अपना शूट भी जब तुम्हें तंग करती हो तुम्हें मजा आता है, आज ना मेरा ऐसा लग रहा है मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है, तंग करे। तो आज तक क्या है मैं बताती हूँ कि मैं आज आशा को शूट के लिए भी नहीं कह रही, खुद मेरे अपना कैमरा पकड़ा है, सब कुछ खुद ही हो रहा है। तो ना ये ज्यादा कुकिंग वाले शूट से होता है, बाकी दूसरे शूट में मेरे को सामना है करना। तो आज मैं आपको बताया मोले मेरी हेल्प की थोड़ी सी कुकिंग के शूट। तो हाँ जी आशा कैसे लगे चिप्स आज हमने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, अगर आपको अच्छी लगी है ना तो हम दोबारा से बनाएंगे, कभी कभी खा लेनी चाहिए डाइट के साथ साथ ऐसी चीज़ें, नहीं अच्छे लगे चलो कोई बात नहीं। अच्छा अम्मी जो गोल थे चिप्स वो इतने अच्छे नहीं बने जितने वो थे स्लैंटी टाइप के चिप्स, है ना। अच्छा चले जी ये बातें तो होती रहेंगी, आज हमने ये वीडियो भी शूट की है, इन बातों को मतलब सवालों को जवाब दिए हैं, आप ना इस वीडियो में कौन सी बातें होंगी लोगों पे आगे से क्या कहना है, तो इसलिए ना मैं ना जो बातें होती हैं ना मैं उसका रिप्लाई नहीं करती, बात लंबी हो जाती है लोगों का काम है कहना, हाँ तो ना बात लंबी हो जाती देखे ना, तो आप ना हम शेर है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में कहीं बस। तो ना मैं बताऊँ कि ना अब हमने ये मतलब जवाब दे दिया सवाल का, सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो अब ना ये बात आगे जाएगी इससे मैं चुप रहती हूँ, बहुत लंबी जाएगी देना, तो बस वीडियो का एंड करती हूँ। तमाशा देखने वाले नहीं है ना, तमाशा बनाने वाले हैं। अच्छा हम लोग बस सीधे साधे लोग हैं, ना तमाशा बनाते हैं ना तमाशा देखते हैं, तो इसलिए अभी मैं ना आमीन। और ना मैं इसलिए नहीं रिप्लाई करती ना बोझती ना कहती हूँ, क्यों मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आपने जवाब दिया करें लोग आपकी वीडियो के नीचे बहुत कुछ गलत कहते हैं, तो अब हम जवाब दे रहे हैं बात कहाँ तक जाएंगे। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, आज मैंने ये वीडियो बनाई है अपने न्यू मोबाइल से, मेरी फर्स्ट वीडियो थी और आज मैं वीडियो का एंड अपने मोबाइल से खुद ही कर रही हूँ, पहले मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। वीडियो में सवाल कब हो गए हैं भाई, अपनी पहली वीडियो पर पहले बात सुन, आशा को भी बहुत कुछ कहते हैं फसाद है पता नहीं क्या क्या, जो जो कहते हैं वो खुद ऐसे होते हैं बस। और मैं तो रहने लड़की हूँ, अगर ऐसा ना होता तो सारे मेरे साथ ना होते, सबके साथ बस चले के साथ भी मैं जैसा भी काम आती हूँ, कभी ऐसा किसी को अकेला नहीं छोड़ती जरूरत के टाइम। चले बस खत्म करें, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो ना बहुत जबरदस्त होने वाली है, कोई आ रहा है कौन हो सकता है वो गेस करें आप सोचे। तो जब तक मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ के मतलब नेक्स्ट वीडियो, तो उतनी देर तक आपने बस सोचना है और गेस करना है कि कौन हो सकता है कोई आ रहा है, थोड़ा आप ना मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मतलब पढ़ी लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, मेरे भी 1 लाख कर दें जल्दी जल्दी, बस थोड़े से बढ़ा गए अम्मी बस हो जाएंगे। तो बस अल्लाह हाफिज़, हम सबको अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, मेरी अम्मी को खासतौर पर हम सबको अल्लाह हाफिज़।